नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी का जो आज की डेट में एग्ज़ाम हुआ है 24/12/2017 में सेकंड शिफ्ट में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था व पंचायती राज व्यवस्था का वीडियो अपलोड कर दिया है और मैंने मध्य प्रदेश के सारे मंदिर और महल का भी वीडियो अपलोड कर दिया है। उन वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कालका माता का मंदिर कहाँ है। तो मध्य प्रदेश के जिले में कालका माता का मंदिर रतलाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन हैं। तो भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं अचल कुमार ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं। तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा के मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को लहसुन उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो मध्य प्रदेश का लहसुन उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिंदवाड़ा में पातालकोट किस जनजाति का निवास स्थान है। तो छिंदवाड़ा में पातालकोट जनजाति का, भारिया जनजाति का निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में मैग्नीज किन जिलों में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज बालाघाट व छिंदवाड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन शहर जिसे परिपक्त शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडवा जिले से नर्मदा नदी पर एक द्वीपीय और पर्यटन स्थल है वो कौन सा है। तो खंडवा जिले में जो नर्मदा नदी पर एक द्वीप और पर्यटन स्थल है वो है शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था उदय योजना किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2008 में अलीराजपुर जिला बनने से पहले किस जिले का हिस्सा था। तो 2008 में अलीराजपुर जिला बनने से पहले ये झाबुआ का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का 91वां जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला है आगरा और मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पंचायती राज लागू नहीं है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज लागू नहीं है। दोस्तों, यहाँ से पंचायती राज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, 100 ग्राम विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य वर्ष कौन सा है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ग्राम पंचायत के वार्डों को अधिसूचित करने का अधिकार किसे है। ग्राम पंचायत के वार्डों को अधिसूचित करने का अधिकार किसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में नौकरी कहाँ मिलती है ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में RBI ने नया नोट चलाया। तो जो RBI ने हाल ही में नया नोट चलाया वो कौन कौन से चलाया। तो 50 का चलाया था और 200 का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने परसेंट लोग गाँव में रहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 68.84% गांव में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में देशों का समूह कितने देशों का समूह था। तो हाल ही में संपन्न ब्रिक्स सम्मेलन में देशों का समूह था कुल 9, जो कि 2017 में इसी साल में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या में कौन सा नंबर है। तो भारत का जनसंख्या में दूसरा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कलिंग पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे लुइस डी ब्रोगेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से डीमेन नहीं है। तो निम्न में से डीमेन जो नहीं है वो है JPG, जो डीमेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ISP का पूरा नाम। तो ISP का पूरा नाम होगा, आई से होगा इंटरनेट, एस से होगा सर्विस, पी से होगा प्रोवाइडर। तो ISP का पूरा नाम होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड 2007 में फाइल सेव का एक्सटेंशन क्या है? तो वर्ल्ड 2007 में फाइल सेव का एक्सटेंशन है डॉश एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में पूर्व निर्धारित सीट को क्या कहते हैं? एक्सेल में पूर्व निर्धारित सीट को क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।